मैं प्रिया आपके साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को महाराष्ट्र में कहा कि चाहे हल्दी घाटी हो या गलवान घाटी, भारत न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। तब हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप थे और अब गलवान घाटी में भारतीय सेना है। हमारी सेनाओं ने हमेशा सम्मान की रक्षा की है। राजनाथ ने छत्रपति संभाजी नगर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप महासम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जनता तो मुझे सुनने आई है, यह भीड़ नहीं है, यह एक समुद्र है। हमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के पन्नों को पलट कर देखना चाहिए। हमें उसमें यही सीखने को मिलेगा कि हमारे जीवन में स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत कभी किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर कोई उसे उकसाएगा तो देश उसे छोड़ेगा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है और वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे, चाहे उरी की घटना हो या पुलवामा की। हमारे देश की सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। आज हमारे देश की सेना इस पार भी मार गिरा सकती है और उस पार जाकर भी मार गिरा सकती है। लोगों को संभाजी नगर का नाम बदलने जाने की बधाई देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, छत्रपति संभाजी ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आचरण से एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो सदियों तक दोहराया जाएगा। औरंगजेब ने उनको न जाने कितनी यातनाएं दी, उन्होंने न जाने कितने कष्ट सहे, लेकिन ये कष्ट संभाजी के धर्म प्रेम का बाल भी बाका न कर सके। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप को अकबर की तरफ से कई तरह का लालच दिया गया, लेकिन महाराणा ने एक विलासी लेकिन गुलामी भरे जीवन की जगह संघर्षपूर्ण और स्वतंत्र जीवन चुना। आप उस दौर में महाराणा प्रताप के समर्पण को ठीक से समझ लें तो आप उस दौर को मुगल काल न कहकर महाराणा काल कहेंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।